नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। ग्यारसपुर, युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर जगह जगह सूर्य नमस्कार किया गया, जिसमें संकुल केंद्र ग्यारसपुर, वी टैंक एकेडमी, नेहरू युवा केंद्र हैदरगढ़ सामाजिक संगठनों ने आज स्वामी विवेकानंद जी के बताए गए मार्ग पर चलने के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित किया एवं युवाओं को संदेश दिया, नशे से दूर रहें, अपने जीवन में योग को अपनाएं, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक चलते रहें। ग्यारसपुर संकुल प्राचार्य उमा यादव ने कहा कि युवाओं को अपना भोजन सटीक रखना चाहिए। जैसे एक बार की बात है कि जब स्वामी विवेकानंद जी को एक बार जेल में बंद किया गया तो उन्हीं जेल में स्वप्न में यह दिखाई देता था कि वह अपनी माता की हत्या कर रहे हैं। जेल के पहरियों से पूछा कि भोजनशाला में भोजन कौन सा कैदी बनाता है, उसका क्या अपराध है। जेलर ने बताया कि इसने अपनी माता की हत्या की, इस अपराध में यह जेल में बंद है। इसलिए जैसा खाएं अन्न वैसा बन जाए मन, इसलिए भोजन युवाओं को सात्विक करना चाहिए और महापुरुषों के बताए हुए मार्गों पर चलकर अपना जीवन उज्जवल और राष्ट्रहित में सेवा का भाव समर्पण भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सूर्य नमस्कार में उपस्थित जनपद ग्यारसपुर के CEO के ओझा, सरपंच प्रतिनिधि लीलाधर कुशवाहा, संकुल का समस्त स्टाफ, सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। युवाओं क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि जब तक वो निरंतर चलते रहें, जब तक कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। बात नंबर 1। बात नंबर 2, उनका भोजन जो है, भोजन जो है वो बहुत ही सटीक होना चाहिए। जैसा कि विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब वो जेल में बंद थे तो उन्हें अपनी माता की मारने का रोष अपना था। तो इस बात का पूरा निरीक्षण किया गया तो पता चला कि जो व्यक्ति उनका भोजन बनाता था वो अपनी माता की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। तो ये जो कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, तो ये बिल्कुल चरितार्थ करता है। इस प्रकार से युवाओं को दो ही संदेश देना चाहती हूँ, एक तो निरंतर चलते रहो जब तक लक्ष्य ना मिले, दूसरा अच्छा भोजन करो। जैसा भोजन करोगे आप वैसा ही आपका मन होगा, वैसा ही आपका विकास होगा। मैं आप सूर्य नमस्कार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज 12 जनवरी है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि हम अगर सूर्य नमस्कारम करेंगे तो हम शरीर शारीरिक रूप स्वस्थ रहेंगे और अगर स्वस्थ मन रहता है तो हम अच्छा अपन लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और ओम आनंदम ओम आरोग्यों को पा सकेंगे और हमारा लक्ष्य जो है विद्याधन करना, तो समाज में अच्छे नागरिक बनना, उसको हम पा सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय स्वस्थ। खबर समय जगत के लिए जिला विदिशा तहसील ग्यारसपुर से सीताराम कुशवाहा के साथ प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।